अजीत भाई साहब, तो ये कहानी 19 मार्च की, जब मैं गया था जयेश भाई के साथ पूरी का खाना खाने, और खाना वगैरह तो सब मजे से हो गया, पर आगे मुझे निकलना था धूले के लिए। उसके बाद की हालत पेश है आपके सामने। जी तो भाई साहब, खाने का कार्यक्रम हो चुका है हमारा, अभी जा रहे सोडा पीने। भाऊंकडे कॅश आपण लपून ठेवलेली। अभि जा रहा हूं मैं शिरपूर के लिए, यहां से मुझे बस स्टैंड के लिए छोड़ देंगे जयेश दादा हमारे, देवपूर बस स्थानक तिकड़ न जाईल मी डायरेक्ट शिरपूर, सोबत रहा। लगाओ इधर, पहुंच गए भाई हम यहाँ पर शिरपुर में। शिरपुर में दो दिन पहले खतरनाक वाली हुई थी बारिश, और बारिश का अब तक इफेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक पेड़ देख रहा मैं, वहाँ पर थोड़ा सा कटा कुटा पड़ रहा, मतलब बहुत, भैया भी बता रहे थे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना भैया। कठिन शेतकरी को, शेतकरी के लिए तो बहुत कठिन समय हो जाता है ऐसे टाइम पर, ऐसा अवकाड़ी पाउस पड़ना ही नहीं चाहिए भाई। ये देखो किस तरह से पेड़ पड़े, अरे बाप रे, जोड़े मोटे मोटे झाड़ ना हो बस का वह। हाँ जी, तो भाई साहब कैसे है सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में घर पर। नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे। तो फिर भाई साहब, आज का दिन है 23rd of March, जस्ट डे अफ्तर द जनता कर्फ्यू, कल था जनता कर्फ्यू। करंटली आई एम इन शिरपुर, शिरपुर की जनता ने बहुत ज़्यादा प्रतिसाद दिया। मैं कल ब्लॉग बनाना चाहता था पर मैं बना नहीं पाया, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो बाहर निकलना जरूरी था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद से उल्लंघन करूँ जनता कर्फ्यू का, इसलिए मैं थोड़ा भी बाहर नहीं निकला। बट आई शूट सम क्लिप्स, आप देख लीजिए थोड़ा सा नॉर्मल 5 बजे का सीन। अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, लाइक COVID-19, ये बहुत बड़ा डिसीज पूरे दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। तो इसके मेजर प्रिकॉशन यही है कि आप घर पर रहे, सेफ रहे, अच्छे से रहे,